far above, far above, far above, far above. और देखिए आप सबके ऊपर सबके ऊपर सबके ऊपर सबके ऊपर हैं। खराबा रखा छंट खराबा रखा छंटे। सोला प्रच्या ठोका पाटी को। You know, you have received this tremendous privilege to use the name of Jesus. और देखिए आपने ये सबसे बड़ा सौभाग्य पाया है कि आप यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। There is no other name in which people can be saved and must be saved. और देखिए कोई और दूसरा नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा लोग उद्धार पा सकते हैं या उद्धार पाए हैं। The name of Jesus is the name of salvation. और देखिए यीशु मसीह का नाम उद्धार का नाम है। The name for your perfect healing, health and salvation. और देखिए आपके सिद्ध चंगाई और उद्धार का नाम वो यीशु ही है। The name of Jesus is the name above every name. और यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। In the name of Jesus, the name above every name. Hallelujah. और यीशु मसीह के नाम में हर एक को झुकना ही है। In the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम में Every knee must bow. और हर एक घुटने को झुकना है। Of those in heaven. और भले ही वो स्वर्ग में हो। Those on earth. और जो पृथ्वी पर हैं। And those under the earth. और जो पृथ्वी के भीतर भी हो। Every tongue must confess that Jesus Christ is Lord. और हर एक जीव को अंगीकार करना है कि यीशु ही प्रभु है। Hallelujah. Hallelujah. That cancer must confess that Jesus Christ is Lord. और उस कैंसर को अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That diabetes must confess that Jesus Christ is Lord. और डायबिटीज को अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That heart disease must confess that Jesus Christ is Lord. और उस हृदय रोग को अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। That tumor, that fibroma, they must confess that Jesus Christ is Lord. और उस गांठ को, उस रोग को अंगीकार करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। They must bow their knees. और उन्हें अपने घुटने टेकने हैं। And they must get out. और फिर वो भाग जाएंगे। They must get out. और उन्हें भाग जाना है। They must get out. और उन्हें भाग जाना है। They must get out. और उन्हें भाग जाना है। प्रकाटे ठोकरा प्रभासंते कुपादी ठोका प्रपाटे के। You are a holy temple of the holy God. और आप पवित्र परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं। How can you allow a devil's work to live in the holy temple? और आप कैसे शैतान के कार्य को इस पवित्र मंदिर में रहने की अनुमति दे सकते हैं? See, Jesus became a curse for you. और देखिए यीशु आपके लिए श्रापित बन गया। So that you can be free from all kinds of curses. और ताकि आप सारे श्रापों से आजाद रह सकें। Deuteronomy 28 from verse 15 onwards. और देखिए व्यवस्था विवरण उसके 28 उसके 15 से आगे अगर हम जाएं। It shows you so many sicknesses, so many diseases. और वहाँ पर बहुत सारे रोग, बहुत सारी बीमारियों का वर्णन दिया गया है। Sickness and disease is a curse because of disobedience. और देखिए वो सारे रोग बीमारियाँ अनाज्ञाकारिता के कारण श्राप के रूप में पड़ गई हैं। You know what God told His prophet? आप जानते हैं परमेश्वर ने अपने नबी से क्या कहा? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. और यदि तू आज्ञाकारी रहेगा, तो इस भूमि की अच्छी उपज को तू खाने पाएगा। Maybe you were unwilling. और हो सकता है कि आप इच्छा नहीं रखे होंगे। Maybe you were disobedient. और हो सकता है कि आपने आज्ञा उल्लंघन किया होगा। Quickly you can change. और तुरंत आप बदल सकते हैं। Immediately you can repent. और तुरंत आप मन फिरा सकते हैं। We just were in Austria and Germany, Austria and Europe. Austria in Europe. और देखिए हम एक बार ऑस्ट्रिया और यूरोप की यात्रा में गए। There was a prayer house. और वहाँ पे एक प्रार्थना घर। And there was one sister, maybe in her 50s. और हो सकता है वहाँ पर एक 50 की उम्र की एक बहन थी। Unmarried. और उनका विवाह नहीं हुआ। Beautiful apartment she had in the prayer house. Oh, she was a divorcee. और देखे उनका विवाह नहीं, उनका तलाक हुआ था और एक बड़ा सुंदर उनका घर था जहाँ वो प्रार्थना भवन चलाती थी। In her divorce, she received a lot of money. और देखिए जब उनका तलाक हुआ तो उन्होंने बहुत सारा पैसा प्राप्त किया। She helped to buy that prayer house for the church. और उसने अपने कलीसिया के लिए वो प्रार्थना भवन खरीदने में उसका इस्तेमाल किया। And she was so depressed. और लेकिन वो बहुत निराश थी। She bought a TV.
और उन्होंने टीवी लेकर आई. In the evening she even started drinking some alcohol. She felt so lonely. और देखिए वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी. शाम को थोड़ा सा शराब पी लेती थी. But you know, I had such an anger. और देखिए मैं बड़ी थोड़ा क्रोध महसूस हुआ. I rebuked her. और मैंने उसे डांटा. I didn't say, "You poor, poor sister." I rebuked her. अरे मैंने ऐसे नहीं कहा, रे बिचारी गरीब औरत. नहीं, मैंने उसे डांटा. I said, "Hey, you live in a prayer house." और मैंने कहा, तू तो प्रार्थना के घर में रहती है. What a blessing! और कितनी आशीष की you बात है. You can minister to so many people. और आप बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण हो सकती हैं. They are all young people. That's not for me. अरे वो सब जवान है, वो मेरे लिए नहीं है. I say, okay, go to the city and talk and evangelize, preach. और मैंने कहा कि ठीक है, नगर में जाओ, लोगों से बातें करो, सुसमाचार सुनाओ. I don't have a car. The bus doesn't come very often. और मेरे पास कार नहीं है, बस भी बहुत धीरे कभी कभी आती है. I said, okay, take the morning bus, come back by the night bus, no problem. और मैंने कहा सुबह की बस पकड़ो और लौटते समय रात की बस पकड़ के वापस आओ. Go to some coffee shop, walk the streets, pray in tongues. और सड़कों पे चलते हुए प्रार्थना करो, किसी कॉफी शॉप में जाके बैठ के प्रार्थना करो. Ask the Holy Spirit who is open to receive Jesus. और अपने आप को खोलो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए पवित्र आत्मा से मांगो, बातें करो. Invite a person to have a coffee and share the gospel. और पवित्र आत्मा से मांगो के कोई व्यक्ति आए ताकि कॉफी पीते समय आप यीशु के बारे में उसके बारे में उसके साथ में बांट सकें. You know what she told me? आप जानते हो उसने क्या कहा? Yeah, you know, I used to do that. और आप जानती हो मैं पहले ऐसे करती थी. But then I had to minister to so many people, I got tired. और देख के बहुत सारे लोगों के मध्य में काम करना पड़ता था, इसीलिए मैं थक जाती थी. You know what she said? आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? She said, I told Jesus. और मैंने यीशु से कहा, Just leave me alone for some time. और थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो. Can you believe it? Can anybody be so dumb? और आप सोच सकते हैं कोई इतना समझ गए सब लोग. So dumb. So you know what? आप जानते हैं क्या? That's why I had such an anger because the Holy Spirit knew that I had zero pity with her, just anger. और देखिए मेरे पास उस बहन के लिए कोई दया महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसको देख के मुझे बहुत क्रोध आ रहा था. I said, sister. मैंने कहा बहन. If I had spoken like this to Jesus. अगर यीशु से ऐसा बोला होता. I would be on my knees crying and repenting. और मैं अपने घुटनों पर रोकर मन फिरा के रो रही होती. You repent. और आप मन फिरा लें. Beg for mercy that he takes you again and uses you again. और देखे के आप उसे मांग ले, भीख मांग ले कि परमेश्वर आपको दोबारा उठाए और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले. Don't you know that being used by God is the greatest privilege you can have? और क्या आप नहीं जानती हो कि यीशु के द्वारा इस्तेमाल होना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है? See? Hallelujah! Hallelujah! Yes, Yatta. She was not willing and obedient. और देखिए वो इच्छा भी नहीं कर रही थी, आज्ञाकारी भी नहीं थी. That's why her whole life became. और यही वजह था उसका पूरा जीवन हो गया. Hello, hello. और सुन रहे हैं? Maybe some of you are here like that. और हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे यहाँ पर होंगे. Maybe you told Jesus, slow. और आपने यीशु से कहा, थोड़ा रुको यार. If you are willing, if you are obedient, again you will eat the good of the land. और यदि आप इच्छुक हैं और आज्ञाकारी हैं, तो वो आपको इस्तेमाल करने के लिए तैयार है. Maybe some, amen. Just tell him, Jesus, I'm willing. और कहें, यीशु मैं इच्छुक हूँ. I want to serve you. और मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ. Jesus, I'm obedient. और मैं आज्ञाकारी होऊंगा. I will follow your word. और मैं तेरे वचन को मानूंगा. I love you. और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. I want to be your friend. और मैं तेरे वचनों से प्रेम करता हूँ. I will do what you tell me. और जो तू कहेगा मैं करूँगा. I will take that water baptism. I will take that water baptism. और मैं वो पानी का बपतिस्मा लूँगा. No matter what my family and my whole village says. और भले ही मेरा परिवार या मेरा गांव वाले कुछ भी क्यों ना कहें. I will follow your command to believe and be baptized. और मैं उस आज्ञा को मानूंगा कि विश्वास करो और बपतिस्मा लो. Jesus. और यीशु. I will be willing and obedient. और मैं इच्छुक होऊंगा और आज्ञाकारी होऊंगा. I will give this tithe. I will give these offerings. और मैं इस दशमांश को दूंगा, इस दान को दूंगा.
Jesus, Yeshu, I will be willing and obedient. और मैं इच्छुक और आज्ञाकारी होऊंगा. I will submit to my husband. I will submit to my pastor. और मैं अपने पति के अधीन रहूंगी. मैं अपने पासवान के अधीन रहूंगी. As long as they don't force me to do things that are against your word. और जब तक के वो ऐसा मुझे ना बनाए कि मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में जाऊं. Of course, I will obey you first, more than men. और हाँ, मैं पहले आपके ज़्यादा आज्ञाकारी होंगे उनसे भी. But I'm willing. और लेकिन मैं इच्छुक हूँ. I'm obedient. और मैं आज्ञाकारी हूँ. I will eat the good of the land. I will eat the good of the land. और मैं उस भूमि की अच्छी फसल को खाने पाऊंगी. Hallelujah. 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 Did you know? आप जानते हैं? Some diseases will just disappear quietly, walk out of your life when you take this decision. और आप जानते हैं जब आप ऐसे निर्णयों को लेते हैं तो कई सारी बीमारियां चुपचाप मुंह बंद करके पूंछ नीचे करके निकल लेती हैं. Really, really. When I saw deliverance for the first time in my life, और देखिए जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार छुटकारे को देखा, I was shocked. और मैं अचंभित हो गई. I said what? और मैंने कहा क्या? Christians, demons. और मसीह दुष्ट आत्माएं. And you have to cast them out. और हमें उन्हें निकालना है. Nobody casted any demon out of me. और कोई किसी ने मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला. Definitely there must be some demons. अरे हकीकत में कोई ना कोई तो होगी. I ran to my pastor. और मैं अपने पासवान के पास दौड़ कर गई. That was not my pastor's. That was some pastors who knew about deliverance. Hallelujah. और देखिए वो मेरे पासवान नहीं थे लेकिन कोई और पासवान थे जो छुटकारा के सेवकाई कर रहे थे. That was pastors from Argentina. और वो अर्जेंटीना से एक पासवान थे. And they said, "No, Benita, we see you." और we see you. और हम देख सकते हैं आपको. We watch your spiritual life. और आपके आत्मिक जिंदगी को हम बढ़ाएंगे. You are a good friend. You come to our church many times and we just have coffee together. और आप अच्छे मित्र हैं. कई बार कलीसिया में हमने एक मिलकर चाय को पिया है. We don't see any demons in your life. और हमने कोई दुष्ट आत्मा आपके जीवन में नहीं देखा. But I said, you know, I committed this sin and that's it. Definitely there must be demons. और मैंने कहा मैंने ये पाप किया वो पाप किया मेरे अंदर तो कोई दुष्ट आत्मा होना ही चाहिए. They told me. और उन्होंने कहा. You became so full fire for Jesus. और आप यीशु के लिए पूरी आग से भरी हुई हैं. You were all the time in the Bible. और आप हर समय बाइबल पढ़ती रहती all हैं. All the time worshiping. और हर समय आराधना करती रहती all हैं. All the time running to church. और हर समय कलीसिया दौड़ती रहती हैं. These demons couldn't bear the fire. और ये दुष्ट आत्माएं आग को सह नहीं पाई हैं. They just quietly walked out. और वो चुपचाप से चली गई दूर. Hallelujah. 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 That should be your lifestyle. और देखें आपका जीवन शैली भी ऐसा होना चाहिए. But you know, now I understand I did have deliverance. और देखिए अब मैं समझी कि मेरा छुटकारा हुआ. Not like oh, somebody shouting. और ऐसा नहीं क्या कोई मेरे ऊपर चिल्लाया निकल जा निकल जा. But I was in Spain. और लेकिन जब मैं स्पेन में थी. In a church where they had about anti-Semitism. They had a seminar about Israel. और देखिए वहाँ पे इज़राइल के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था. My nation Germany killed 6 million Jews. और देखिए मेरा देश जर्मनी है उसने 60 लाख यहूदी लोगों का वध कत्ल किया है. So definitely there was a devil script there. I didn't know that. और देखिए सच में वहाँ पे शैतान का कोई ना कोई बंधन तो जरूर होगा मुझे इसके बारे में नहीं पता. I was very excited. और मैं बड़ी उत्साहित थी. Wow, I will learn about Israel. I come to the seminar. और देखिए मैं बड़ी उत्साहित थी कि अब मैं इज़राइल के बारे मैं सीखूंगी मैं सम्मेलन में आई हूँ. So before the seminar, और सम्मेलन के शुरू होने से पहले, I had to clean the church and clean the toilets and everything. और देखिए मैं कलीसिया की सफाई कर रही थी, कुर्सियां लगा रही थी, बाथरूम सफाई कर रही थी. And suddenly I got such a headache. और अचानक मुझे बहुत सर दर्द होने लगा. Unbearable headache. और एक असहनीय दर्द होने लगा. But praise God. लेकिन प्रभु की स्तुति हो. I didn't go home. और मैं घर नहीं गई. I didn't run away from the presence of God. और मैं परमेश्वर की उपस्थिति से भागी नहीं. I told the pastor, pastor, too much headache. और मैंने पासवान से कहा पास्टर जी बहुत सर में दर्द है. Pastor said, just lay down there, just lay there in the corner. और उन्होंने कहा कि आप एक कोने में थोड़ा सा बैठ जाइए आराम कर लीजिए. And you know what happened? आप जानते हैं क्या
हुआ बिफोर द सेमिनार और सम्मेलन के पहले चर्च लीडर्स टुगेदर टुक हैड दैट ब्रेड एंड टंग्स खरा वर गया धरा वदियां थी और देखिए कलीसिया के अगवे लोग सम्मेलन शुरू होने से पहले एक दूसरे के हाथ पकड़कर अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे एंड व्हेन दे वर प्रेइंग पावरफुली इन टंग्स फॉर दैट सेमिनार और देखिए जब वो सम्मेलन के लिए अन्य भाषा में बड़ी सामर्थ्य रूप से प्रार्थना कर रहे थे सडनली आई वोक अप एंड द हेडेक वाज गॉन और देखिए अचानक से मैं उठी और मेरा सर दर्द गायब हो गया हालेलुया हालेलुया टुडे आई अंडरस्टैंड दैट दिस वाज अ डिलीवरेंस और आज मैं इस बात को समझती हूं कि वो घटना मेरे जीवन के लिए छुटकारे का कारण बना सी बिकॉज़ आई लव जीसस सो मच और देखिए क्योंकि मैं यीशु मसीह से बहुत अधिक प्रेम करती हूं आई ड्रॉप्ड एवरीथिंग एल्स और मैंने बाकी सब को एक दर किनारे कर दिया ओनली जीसस और केवल यीशु मसीह ओनली बाइबल और केवल बाइबल Most demons just ran away by themselves. और देखिए बहुत सारी दुष्टात्माएं अपने आप भाग गईं. But that spirit against Israel, it's a heavy one. और लेकिन इज़राइल के विरोध में जो दुष्टात्मा है वो बहुत भारी था. Think about it. और सोच कर देखें. Small nation. और छोटा सा देश. Doing so much good, so many medical discoveries they make. और देखिए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत सारी खोजों को वो कर रहे हैं. The Muslim nations use the Israeli discovery, the technology to make the salt water into fresh water to drink. और देखिए जितने भी मुस्लिम देश हैं वो इसराइल की तकनीक का इस्तेमाल करके नमकीन पानी को बदल कर पीने के पानी में तब्दील कर रहे हैं Such a blessing for the world. और देखिए संसार के लिए कितनी बड़ी आशीष की But बात the है whole world hates that one small nation. और देखिए पूरा संसार उस छोटे से देश से नफरत करता है Why? क्यों? Because the devil hates God's people. क्योंकि शैतान परमेश्वर के लोगों से नफरत करता When है। When you look how much the world hates Israel. और अगर आप देखें कि संसार इज़राइल से कितनी नफरत करता है। You can see how much Satan hates you. और आप देखने पाएंगे कि शैतान आप से कितनी नफरत करता है। But when you see how much God protects Israel. और आप अगर देखने पाएं कि परमेश्वर इज़राइल की कितनी रक्षा करता you है। You can imagine how much more He protects you. Hallelujah. और आप इसकी कल्पना कर पाएंगे कि परमेश्वर आपकी रक्षा कितना अधिक क्यों ना करेगा हालेलुया हालेलुया यू हैव डिसाइडेड टू बी विलिंग एंड टू बी ओबीडिएंट और आपने इस बात को ठान लिया है कि आप इच्छुक भी रहेंगे और आज्ञाकारी भी बने रहेंगे आई डोंट नो व्हिच इज द एरिया इन योर लाइफ वेयर यू हैव नॉट बीन ओबीडिएंट और मुझे नहीं मालूम आप कौन से क्षेत्र में जीवन के आज्ञाकारी नहीं रहे जस्ट राइट नाउ से सॉरी लॉर्ड जीसस और अभी कहें प्रभु मुझे माफ कर दीजिए सॉरी लॉर्ड जीसस और यीशु मुझे माफ कर दीजिए प्लीज फॉरगिव मी और कृपया मुझे माफ कर दे आई नो यू टोल्ड मी टू डू दिस एंड आई डिडंट डू इट और आपने मुझसे कहा था ये करने को लेकिन मैंने नहीं किया फॉरगिव मी मुझे क्षमा करें क्लेंस मी मुझे शुद्ध करें नाउ और अब आई डिसाइड और मैं निर्णय करता हूं आई एम विलिंग और मैं इच्छुक हूं आई एम ओबीडिएंट और मैं आज्ञाकारी हूं इन जीसस नेम यीशु के नाम में आमेन आमेन दिस इज वन ऑफ द मेन Hindrances to your healing. और देखिए ये एक प्रमुख रुकावट है आपकी चंगाई के लिए. Your full and total healing has been bought by the blood of Jesus Christ of Nazareth. और देखिए कि आपकी पूरी चंगाई जो है वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी रीति से खरीदा गया है. First Peter 2 verse 24. और पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी 24वीं आयत. On his own self he took all your sins to this cross. और देखिए उसने अपने ऊपर आपके सारे पापों को उठाकर क्रूस पर जान को दिया And है In his stripes you have been healed और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं हालेलुया 2000 years ago you have been healed और 2000 साल पहले आप चंगे हो गए हैं you don't need to be healed today और आज आपको चंगा होने की जरूरत नहीं है your healing was done 2000 years ago और आपकी चंगाई 2000 पहले हो गई है the problem is you didn't know that और लेकिन परेशानी ये है कि आपको पता नहीं था you know what bought for me what gave me the revelation of healing और आप जानते हैं कि चंगाई के बारे में मेरे को क्या प्रकाशन मिला Acts 10:38 और प्रेरित 10 उसका 38 Jesus Christ of Nazareth और यीशु नाज़रीन How God anointed him with the Holy Spirit and power और कैसे परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषिक्त किया What about you और आपके बारे में Are you anointed with the Holy Spirit and power और क्या पवित्र आत्मा से आप अभिषिक्त हैं Are you anointed with the Holy Spirit and power और क्या आप पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त हैं Yes हाँ, very good बहुत अच्छा
Because Jesus was anointed with the Holy Spirit and power, he went about everywhere doing good and healing all, healing all, healing all. और देखिए क्योंकि वो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था इसीलिए हर जगह वो गया भला करता हुआ और हर एक बीमारी को चंगा करता हुआ फिरता रहा. If you are anointed with the Holy Spirit and power, और यदि आप पवित्र आत्मा और उसके सामर्थ्य से अभिषिक्त हैं, the sign is that you walk about wherever you go, you heal the sick. और ये उसका चिन्ह ये होगा कि आप जहां कहीं जाएं आप बीमारों को चंगा करें. Hallelujah. Hallelujah. And you know whom he healed? और आप जानते हैं किसको उसने चंगा किया? Jesus healed all those who were oppressed by the devil. और उसने उन सब को जो शैतान के द्वारा दबे हुए थे. You know what? आप जानते हैं क्या? Jesus did not heal those who were attacked by some bacteria or by some virus. और देखिए यीशु ने उनको चंगा नहीं किया जिनको बैक्टीरिया के द्वारा या किसी वायरस के द्वारा बीमार हुए. Jesus did not heal those who had some genetic defect from the forefathers. और यीशु मसीह ने उनको चंगा नहीं किया जिनको पारिवारिक कोई बीमारी है उनको चंगा नहीं किया. Jesus did not heal those who were bitten by some insect and because of that their blood was spoiled. और देखिए यीशु मसीह ने उनको चंगा नहीं किया कि जिनको किसी कीड़े ने काट दिया हो और उसकी वजह से वो बीमार पड़ गए हैं. Jesus went to the root. और देखिए यीशु मसीह जड़ में गया. Jesus did not deal with the lies the devil used to legitimize the disease. और देखिए यीशु मसीह ने उन झूठों पर ध्यान नहीं दिया जो कि शैतान बीमारियों के वर्णन करने के लिए फैलाता है. You know the devil is a cunning liar. और आप जानते हैं शैतान जो है बड़ा धूर्त चालाक है. The devil will give you some reason why you should be sick. और देखिए शैतान आपको कारण बताएगा कि क्यों आपको बीमारी में पड़ना है. When you were a child, you didn't get good food. और जब आप बच्चे थे ना तो आपको अच्छे से खाना नहीं मिला. When you had this amebiasis, your stomach became very weak, so now quickly you can get sick. I believe that. और देखिए जब आपके पेट में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से आप बहुत जल्दी पेट की गड़बड़ियां हो जाती है और आप बीमार हो जाते हैं. When there's a very cold wind, you will get the cold. और देखो जब बड़ी ठंडी हवा चलती है तो आपको जुकाम या सर्दी हो जाएगी. Oh, in the water of your whole colony, there is some kind of problem. That's why you are sick. और देखो कि आपके मोहल्ले का जो पानी आता है ना उसके अंदर कुछ गड़बड़ी है जिसकी वजह से आप बीमार पड़ रहे हैं. Jesus did not bother about the reasons the devil gave why people should be sick. और देखिए यीशु मसीह ने उन कारणों की तो परवाह भी नहीं करी जो शैतान लोगों के बीमार पड़ने के कारण बता रहा था या दे रहा था. Jesus healed all, 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 all. All, और यीशु मसीह ने सबको 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 चंगा किया. Those who were oppressed by the devil. और वो लोग जो शैतान के दबाव में थे. Sickness is an oppression of the devil. और देखिए बीमारी शैतान का दबाव है. Sickness is an oppression of the devil. और जो बीमारी है वो शैतान का एक प्रभाव या दबाव है. Sickness will never sanctify you. और देखिए बीमारी आपको कभी शुद्ध नहीं करेगा. You know what 1 Corinthians 6 verse 20 says? और देखिए रोमियो 19 and 20. 1 Corinthians 6, 19 and 20. और पहला कुरिन्थियों उसके 9 उसके 20 में ऐसे 19 20 में ऐसा लिखा है. You are a temple of the Holy Ghost. और आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं. Therefore glorify God in your spirit and in your body which belong to God. और देखिए यही वजह है कि आप अपनी देह और आत्मा में परमेश्वर की महिमा करें जो परमेश्वर का है. Does a sick body glorify a healing God? और क्या एक बीमार देह चंगाई करने वाले परमेश्वर की महिमा कर सकता है? Does a sick body glorify a healing God? और क्या एक बीमार शरीर चंगाई देने वाले परमेश्वर की महिमा कर सकता है? See how the devil rejoices, how he can mock the healing God when his people, when God's people are sick. और देखिए शैतान परमेश्वर के लोग जब बीमार होते हैं उनको देखकर कैसा उनका हंसी या मजाक उड़ाता है.
The devil celebrates. और देखे शैतान बड़ा आनंद मनाता है. But we will no longer allow the devil to celebrate. और लेकिन हम उसको अनुमति नहीं देंगे कि वह आनंद मनाने पाए. Today we will destroy the devil's party. और आज हम शैतान की पार्टी को बर्बाद कर देंगे. We will destroy the devil's party. और आज हम शैतान की पार्टी को बर्बाद कर देंगे. We will not make the devil happy. और अब हम शैतान को खुश नहीं होने देंगे. We will glorify God in our spirit and in our body which belong to God. और हम अपनी आत्मा में और अपने शरीर में जो परमेश्वर का है उसमें परमेश्वर की महिमा को करेंगे. Hallelujah. Hallelujah. You know, great multitudes followed Jesus and he healed them all. और देखिए एक बड़ी विशाल भीड़ यीशु के पीछे चलती थी और उसने प्रत्येक को चंगा किया. He cast out the spirit with a word and he healed all the sick. और उसने अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाला और हर एक बीमारी को चंगा किया. Isaiah 53 verse 4 and 5, you know it, write it down. और यशायाह 53 उसका 4 5 में लिख लीजिए, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, आप जानते हैं. Matthew 8, 17 and 18, you know it, write it down. और मत्ती उसका 7 उसका 17 18 में आप लिख लें, वो सब जानते हैं. You know when it was evening, even in the night when it was dark, they brought to Jesus all the sick, all the diseased. और देखिए जब संध्या का समय था, अंधकार था, सारे रोग से ग्रसित और दुख में पड़े हुए लोगों को वो यीशु के पास में लेकर आए. And he healed all the sick. और उसने उन सारे बीमारों को चंगा किया. Cast out all the demons. और सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला. So that it may be confirmed. और ताकि इस बात का दृढ़ हो जाए. What was said by Isaiah the prophet, he himself took our infirmities and he bore our sicknesses. और उसने हमारे सारे रोगों को और हमारे सारे दुखों को उठा लिया है. See that? आप देखें, he cast out the spirits with a word. We started doing that yesterday, no? और देखिए उसने अपने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाला, कल हमने इस बात को किया था. And he healed all who were sick. और जो बीमार थे उन सबको उसने चंगा किया. You see it again and again, Jesus healed all who were sick. और देखिए आप बार बार इस बात को देखने पाएंगे, जितने बीमार थे यीशु मसीह ने उनमें से हर एक को चंगा किया. Matthew 14:36. और देखिए मत्ती 14 उसका 36. Even all those who just touched his garment were healed. और देखिए जितनों ने उसके कपड़े के छोर को भी छुआ वो चंगे हो गए. They didn't even just touch Jesus, they just touched the garment. और उन्होंने यीशु को भी नहीं छुआ था, उन्होंने केवल कपड़े को ही छुआ. You know, I had many meetings where everybody was healed. देखिए मैं कई सभाओं में ऐसी गई जहां पे बहुत सारे चंगाइयां हुई हैं. And you know who didn't believe it? I didn't believe it. और देखिए आप भी इस बात पे विश्वास नहीं करेंगे, मैं भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पाई. Shame. One time I was at a village meeting in India. और भारत में एक बार हम एक गांव की सभा में थे. So many sick people. और बहुत सारे बीमार वहां पर so थे. So I taught them. और मैंने उनको सिखाया. I prayed with them, I taught them how to pray. और मैंने उन्हें सिखाया कैसे प्रार्थना करना है, उनके संग में प्रार्थना किया. Afterwards, I asked how many of you are healed. और उसके बाद में मैंने पूछा आप में से कितने लोग चंगे हो गए हैं. Many hands. और बहुत सारे हाथ उठ गए. I asked who is still sick. और मैंने पूछा कि कौन अभी भी बीमार है. No hand went up. और एक भी हाथ नहीं उठा. But you know the shame. You know the shame. और आपको ऐसे मालूम है क्या शर्म? I didn't believe it. और मैं इस बात को विश्वास नहीं कर पाया. So I said, okay, let me test. और मैंने कहा ठीक है थोड़ा जांच लेते हैं. So I sat down, I stayed there. और मैं वहाँ बैठ गई, थोड़ी देर रुकी. When people went out, I said, let me see. Somebody will come and say, pray for this pain, pray for that pain. और मैं बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कोई ना कोई तो आके बोलेगा मैं इस बीमारी में हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें. And really people came for prayer. और लोग प्रार्थना के लिए तो आए. I thought, see. और मैंने कहा देखो, they lied to me, not everybody was healed. और देखो सब लोग चंगे नहीं हुए, ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे. Shame, no? I couldn't believe. और देखिए कितने शर्म की बात है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी. But you know for what kind of prayer they came? आप जानते हैं किस बातों के लिए वो प्रार्थना करने Sister, के लिए? Sister, pray my son is not studying nicely. और बहन प्रार्थना करिएगा कि मेरा बेटा सही से नहीं पढ़ता है. Sister, pray my child needs admission in that school. और बहन प्रार्थना करिए उस स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है. Not one person came for healing prayer. और कोई भी चंगाई के लिए प्रार्थना कराने के लिए नहीं आया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
In that time, Jesus healed all who were sick. और उस समय में यीशु ने उन सबको जो बीमार थे सबको चंगा किया. He still does it today. और वो आज भी वैसा ही करेगा. I was in a huge Baptist church in Brazil. और देखिए ब्राजील में एक बड़े बैप्टिस्ट कलीसिया में मैं प्रचार कर रही थी. They gave me 20 minutes. और उन्होंने मुझे 20 मिनट दिया. I preached without translation. और देखिए मैंने बिना अनुवाद के वहां पर प्रचार किया. I speak good Spanish, Portuguese, so I spoke a mixture. और देखिए मैं अच्छी स्पेनिश बोलती हूँ लेकिन पोर्तुगीज मुझे थोड़ा आता है इसीलिए मैंने दोनों का मिश्रण करके वहाँ पे प्रचार किया. I had only 5 minutes for the healing prayer. और मेरे पास केवल 5 मिनट थे चंगाई की प्रार्थना के लिए. After that again I asked. और उसके बाद में मैंने दोबारा पूछा. Anybody still has pain? Anybody still sick? और कोई बीमार है या किसी को अभी भी दर्द है? No hand went up. और किसी ने हाथ उठा के नहीं बताया. So I left. I thought, okay, I don't know if they fully understood me. और तो फिर मैंने छोड़ दिया. अरे ठीक है सब ठीक हो गए होंगे. 2 days, 3 days later. और 2 दिन या 3 दिन के बाद में. The friend where I was staying had to go to the church office and she took me there. और देखिए जिस मित्र के घर में मैं रुकी थी जो मुझे कलीसिया ले जाते थे वो मुझे लेकर गए. When we came into the building, the secretary came running, church secretary. और देखिए जब हम कलीसिया में आ रहे थे तो जो वहाँ का सचिव है वो हमारे पास दौड़ के आए. Sister. और बहन सुनो. Jesus sent you only for me. और यीशु मसीह ने केवल मेरे लिए आपको भेजा. You know, when you came there. और आप जानते हैं जब आप वहाँ आए. I had 5 different diseases. और मेरे पास 5 अलग-अलग बीमारियाँ थी. 2 or 3 she already had scheduled the operation. और देखिए 2-3 का तो ऑपरेशन का डेट दे दिया गया था. Sister, when you came. और बहन जब आप आई. All these 5 diseases were completely healed. और ये 5ों बीमारियां पूरी रीति से चंगी हो गईं. I could cancel the scheduled operations. और देखिए मुझे तो वो जो ऑपरेशन की तारीख है उसे तो कैंसिल करना पड़ा. She was so excited she didn't know how to talk to me. और देखिए वो इतनी उत्साहित थी बात भी नहीं कर पा रही थी. Jesus did it in that time. और यीशु मसीह ने उस समय में किया. How much more will it do today? और वो कितना आज इच्छा रखता है करने के लिए. And not only will He heal you. और केवल वो आपको चंगा ही नहीं करेगा. He has given you the command to go out and heal the sick. और उसने आपको आज्ञा दी है कि आप जाके लोगों को चंगा करें. Come, let's go to Mark 16. Mark 16. और मत्ती 16 में खोलें. Very, very, very important scripture. और ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है. Oh, that you go into all the world, preach the gospel to every creature. I hope you do it. Verse 15. और 15. और उसका 15. Mark 16 verse 15. और मरकुस 16 उसका 15. और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा. And these signs will follow those who believe. और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे. In my name, they will cast out demons. और मेरे नाम में वे दुष्ट आत्मा को निकालेंगे. All who believe. और जो विश्वास करते That's हैं. Your job when you go out of here. Amen. और आपका कार्य ये है जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे. What we do here for you. और जो हम यहाँ पर आपके लिए करेंगे. Is to give you an example so that you can do the same. और ये इसलिए है कि हम आपको एक उदाहरण के रूप में दिखाएं ताकि आप जाकर यहाँ पर यहाँ से जाकर आप ऐसा ही करें. Because this is the job of every believer. और क्योंकि ये हर एक विश्वासी का कार्य है. All who believe these signs will follow. Amen. और देखिए जो विश्वास करने वाले सब लोगों के ये होंगे. Now, you know, if these signs don't follow you, और यदि ये चिन्ह आपके पीछे नहीं चलते हैं, then are you really a believer? और क्या आप हकीकत में विश्वासी हैं? It says those who don't believe will be condemned. Those who don't believe will be condemned. और देखिए जो विश्वास नहीं करेंगे उन पे दोष नाश हो जाएंगे. But if you believe these signs will follow you. और यदि आप विश्वास करेंगे तो ये चिन्ह आपके पीछे पीछे चलेंगे. Casting out demons, speaking in tongues, healing the sick, it's not some special thing for some special people. और देखिए दुष्ट आत्माओं को निकालना अन्य भाषा में बोलना ये विशेष वरदान कुछ विशेष लोगों के लिए ही नहीं है. It's the very normal Christian lifestyle. और ये तो बहुत साधारण मसीह जीवन शैली है. It's your everyday lifestyle. और ये तो आपके प्रतिदिन जीवन शैली है. Hallelujah. Hallelujah. They will take up serpents and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them.
और सांपों को उठा लेंगे यदि प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो अभी उनकी कुछ हानि नहीं होगी. They will lay hands on the sick and the sick will recover. और वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. The sick will recover. और ये चंगे हो जाएंगे. The sick will recover. और ये बीमार चंगे हो जाएंगे. The sick will recover. और ये बीमार चंगे हो जाएंगे. The sick will recover. और ये बीमार चंगे हो जाएंगे. That's what God says and God cannot lie. और देखिए ये परमेश्वर ने कहा है और वो झूठ नहीं बोल सकता. The devil is the great liar. और शैतान बहुत बड़ा झूठ बोलने वाला है. आप जानते हैं शैतान क्या करने का प्रयत्न करेगा? He will use your own mouth, your own tongue to curse you again. और देखिए वो आपका ही मुंह इस्तेमाल करेगा, आपकी ही जीभ इस्तेमाल करेगा आपके ऊपर श्राप डालने के लिए. Death and life is in the power of your tongue. और देखिए जीवन और मृत्यु आपकी जीव के सामर्थ्य में है. You know the Bible says. आप जानते हैं बाइबल कहता है. Jesus healed them all. और यीशु मसीह ने सबको चंगा किया. Bible says. बाइबल बोलती है. When we lay hands on the sick, they shall recover. और विश्वासी बीमार पर हाथ रखेगा और वो चंगे हो जाएंगे. Today we will lay hands on every sick person here. Amen. और आज हम सब बीमारों पर हाथ रखेंगे. Amen. Amen. We will lay hands on every sick person. और आज हम सारे बीमारों पर हाथ रखेंगे. Every sick person will recover. और हर एक बीमार चंगा हो जाएगा. Every sick person will recover. और हर एक बीमार चंगा हो जाएगा. That's the word of God. और ये परमेश्वर का वचन है. Jesus healed the sick. और परमेश्वर ने बीमारों को चंगा किया. All